संदेश विधानसभा के कुल्हड़िया गाँव में, और जानते हैं यहाँ की जनता का मिजाज क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आप बताइए, इसको सपोर्ट कर रहे हैं संदेश विधानसभा में, रिंकू सिंह को क्यों? अभी मैंने जी है सब कुछ। कौन गाँव है आपका? कुल्हड़िया गाँव है। टिकट मिलने के बाद आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वही जो नजदीकी बनेगा वो सपोर्ट दिया जाएगा। आप किसको सपोर्ट करेंगे संदेश विधानसभा में, किसको विधायक बनाया गया? किसको सपोर्ट करेंगे संदेश विधानसभा में? किया जाएगा जो विकास जी। आप बताइए बाबा, किसको किसको वोट देंगे? रिंकू सिंह को। क्या लगता है कौन विकास कर सकता है? देव अपन मैनिफेस्ट निकाले, जरा हिसाब से उसका हिसाब से कहाँ चाहता। आप किसको किसको मत देंगे? रिंकू सिंह। क्यों रिंकू सिंह को? हम लोग देखे सबके साथ सबके वाले लोग, लेकिन जो है ये एनडीए का सीट है, जो सीट अरुण यादव है। आप किसको अपना मत किसको देना चाहेंगे? अपना मत उन्हीं को देंगे जो विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी अपना रहे हैं, आप किसको अपना मत देंगे? रिंकू सिंह मुखिया। रिंकू सिंह मुखिया को क्यों? बढ़िया उम्मीदवार है, अच्छा भी है। क्या लगता है विकास कर सकता? अभी तो एनडीए से जो जो लोग आ रहा है सब दागी है, कोई अपहरण में है, कोई रेप में फंसा हुआ है, बिहार सरकार उसको मदद कर रही है, उसको छुपा रही है। आप किसको मत देंगे? सेम नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त अभी हम संदेश विधानसभा में हैं और हम आपको बता दें कि संदेश विधानसभा के कर्मठ युवा नेता रिंकू सिंह उर्फ मुखिया जी के नाम से जाने जाते हैं। रिंकू सिंह मुखिया जी सब लोग इनको कहता है, और काफ़ी ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपने संदेश विधानसभा में तत्परतापूर्वक युवाओं के एक संगठन को लेकर और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अभियान छेड़ा है कि नहीं इस बार अब की बार जो विधानसभा का नेतृत्वकर्ता के रूप में तमाम जितने भी विधानसभा के लोग जो लाचार है, पीड़ित है, असहाय है, उन सारे लोगों को मददगार के रूप में उभर के सामने आएंगे। रिंकू मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। जी सबसे पहले स्वागत है, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से आपने संदेश विधानसभा का नेतृत्व भी किया है। अभी जो आगामी चुनाव हो रहा है, अभी होने जा रहा है, अभी नॉमिनेशन भी स्टार्ट है कल से, तो क्या लगता है इस बार जनता आपके साथ होगी? धन्यवाद। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे संदेश के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, और मेरे छोटे भाइयों के स्नेह प्यार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें उस लायक समझे और हमसे कुछ आप पूछ रहे हैं। संदेश को नया संदेश देने के लिए हम लोग लगे हैं, नया युवाओं का जोश के साथ में हम लोग लगे हैं। संदेश शुरू से ही एक परिवार में सिमट के रह गया है, आज तक यहाँ एक जातिगत बात करके और एक परिवार में सिमट के और यहाँ के विकास को भी अपने परिवार तक सीमित कर दिया गया है, उससे छुड़ाने के लिए नया युवाओं के साथ और अभिभावकों के स्नेह दुलार आशीर्वाद के साथ इसमें कूदे हैं और संदेश को इस बार नया संदेश देने का काम कराएं। क्या लगता है कि यहाँ की जनता आपके साथ होगी? विश्वास तो यही है 100% होगी। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो यहाँ संदेश में जिस ओर जाइएगा उस ओर मुद्दा ही मुद्दा है, और आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, उसको आप लोग उठाने का भी काम कीजिए। संदेश ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ एक भी कॉलेज नहीं है, इसको उठाने का काम कीजिए, आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, संदेश का
जो किसान भाई हैं, नहर रहते हुए भी नहर का अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है, और सब जो भी आते हैं वादा करते हैं चुनाव में और उस वादा को भूल जाते हैं, कभी इस पर कोई अमल नहीं किया। यहाँ के स्थानीय मंत्री भी हुआ करता था, जब संदेश के जनता ने चुन के भेजा तो यहाँ के मंत्री भी कभी कभी हुआ करते थे, लेकिन उस ओर किसानों के प्रति ध्यान नहीं दिए। यहाँ के बेरोजगारी की ऐसी व्यवस्था है कि एक भी उद्योग धंधा का कोई साधन नहीं है संदेश विधानसभा क्षेत्र में। एक धंधा है माफियागिरी की धंधा जो चलता है, उससे पूरे संदेश उस तरह से तबाह है कि आए दिन रोड दुर्घटना से ग्रसित यहाँ के बिना वजह रोड से एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं, बालू की जो देख रहे हैं, खनन अवैध खनन जो यहाँ के माफियाओं द्वारा कराया जाता है, यहाँ के माफिया जनप्रतिनिधि भी हुआ करते हैं, तो उसे भी वंचित हम लोग कराएंगे। सिंह साहब, जानना चाहेंगे कि जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ मैदान में हैं, महागठबंधन है, NDA है, सारे लोग अब की बार चुनावी मैदान में है और ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों ने अपनी कमर कस ली है, क्या लगता है कि इतने बड़े लोगों के साथ, इतनी भयंकर टीम के साथ आप अपने संगठन को लेकर जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, विश्वास तो यही है, ये हर आदमी त्रस्त है और जब त्रस्त होते हैं तो यही महागठबंधन के अंग थे, यही NDA के अंग हैं, और यही जब त्रस्त हैं तो जरूर ये एक बदलाव की ओर है, संदेश एक नया बदलाव की ओर बढ़ रहा है। किस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं? मैं अभी रजपा जो जनजन पार्टी का राष्ट्रीय जनजन पार्टी से हम यहाँ उम्मीदवारी में हैं, और हमारा भी अलायंस के रूप में जो भी मदद करने के लिए हैं, भारतीय अटल सेना हम लोग के सहयोग में है, भारतीय भोजपुरी मंच और जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भी शोषित हैं, वंचित हैं, वो हम लोग के साथ हैं और ये आतंक राज को ख़त्म करना चाहते हैं। कब नामांकन करा रहे हैं? 7 तारीख को नामांकन होने जा रहा है और हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपने जितने भी अभिभावक मित्र भाई बंधु हैं उनको मैं नामांकन के लिए मतलब निवेदन करता हूँ, उसमें आमंत्रित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी रिंकू सिंह की हैं, जो कि प्रत्याशी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के, और काफ़ी ही सुंदर तरीके से हर गांव को विजिट करना, युवाओं को अपने साथ लेके एकजुट होकर, ऐसे मैं बता दूं कि यूथ संगम के नाम से एक संगठन भी चला रहे थे और काफ़ी ही युवाओं को, पूरे भोजपुर जिले से युवाओं को जोड़कर और एकजुट करके उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने जाते हैं रिंकू सिंह जी। और आप देख रहे हैं आज तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आइए इन लोगों से भी जानते हैं। ये संदेश विधानसभा में है जी। आपका गांव कहाँ हुआ? मेरा खनगांव घर हुआ। आप रिंकू सिंह को मत दे रहे हैं? जी जी, ज्यादा सपोर्ट है। आप रिंकू सिंह को क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्या कि जो 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 भी विधायक आए कुछ काम नहीं है किया। आपका क्या नाम है? रंजन कुमार सिंह। आपको क्या लगता है रिंकू सिंह को यहाँ का विधायक बनना चाहिए? क्या क्या सब लोग जैसा अभी तक कोई नहीं बना है, ना ही काम कर रहे हैं कोई। आप किसको साथ देना चाहेंगे? रिंकू सिंह को क्यों साथ देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आदमी। आप देख रहे हैं सारे लोग रिंकू सिंह को सपोर्ट करने के लिए आइए हमारे बीच। आप क्या बताना चाहेंगे? आप किसको मत देंगे संदेश विधानसभा? रिंकू सिंह को क्यों मत देना चाहते हैं? युवाओं का सब समर्थन है, साथ में सब युवा लोग हैं। आप क्या चाहना चाहेंगे? हेलो, हम रिंकू सिंह को वोट इसलिए देना चाहते हैं कि संदेश विधानसभा में ऐसा कर्मठ उम्मीदवार अभी तक कोई नहीं आया है और आना भी आगे की ओर अभी देखिए, और हम लोग जो इनके साथ में है जुड़े हुए हैं इसलिए कि जितना भी संदेश विधानसभा में हॉस्पिटल के लेकर के और कॉलेज के लेकर के और ITI कॉलेज के लेकर के कोई भी ऐसा कर्मठ उम्मीदवार नहीं आया कि अभी तक कोई इस मुद्दा को उठाया। आप NDA या फिर महागठबंधन का साथ नहीं देंगे? नहीं, हम लोग जनजन पार्टी के हैं। तो आप किसको मत देंगे अपना? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश विधानसभा के तमाम लोगों से अपील करता हूँ, यही एक मौका हमारे हाथ में आया है जब हम जातिवाद, पार्टीवाद, परिवारवाद और आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़े होकर विकासवाद के लिए मुखिया जी को अपना समर्थन दे, ये मौका हमें आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बस निरंजन शर्मा घर लोधी। आपको क्या लगता है कि विकास करेंगे? सब लोग आज तक चुनाव जीता हारा सब लोगों ने वादा किया, तो जब सब लोग को हम लोग देखे तो एक फिर इनको हमको देखने में हर्ज ही क्या है, जब सबको देखे तो इन्हें भी एक बार देख ले। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको जी के बारे में क्या कहना है, ये तो संदेश विधानसभा के हीरा हैं, कलेजा हैं,
हम लोग इनको चाहते हैं। आपको लगता है कि रिंकू सिंह विकास करेंगे? विकास नहीं, विकास का पताका फहरा देंगे रिंकू सिंह। बहुत सुंदर। आप देख रहे थे तमाम यहाँ की जो भी जनता है संदेश विधानसभा की, जितने भी युवा साथी है, सारे लोग एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि नहीं, अब की बार एनडीए और महागठबंधन नहीं, अब की बार रिंकू सिंह जी यहाँ के विधायक होंगे और राष्ट्रीय जनजन पार्टी का पताका यहाँ लहराएगा। और इन तमाम लोगों को एक पूर्ण विश्वास है कि नहीं, रिंकू सिंह यहाँ निश्चित तौर से विधायक बन के आएंगे और यहाँ का विकास भी करेंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ सुशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ।